बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर पे चाहे जितना भी अच्छा बारबेक्यू बना लें, लेकिन हमेशा यही सुनने को मिलता है कि बाजार जैसा नहीं है। आइए आज घर वालों की सोच ही बदल देते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक किलो बोनलेस चिकन की बोटियाँ लेते हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक आप बोटी का साइज़ रख सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आधी गड्डी हरा धनिया लेंगे। 8 अदद हरी मिर्चें लेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनका पेस्ट बना लेंगे और इसे हम चिकन में शामिल कर देंगे। 2 लीमों का रस लेंगे और इसे भी हम चिकन में शामिल कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच नमक भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च, इसे भी हम शामिल कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच सब्ज इलायची को पीस कर इसे शामिल कर देंगे। ये टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाएगी। 1/2 चाय का चम्मच कबाब चीनी और 2 पीपले, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे शामिल करेंगे। अगर आप बारबेक्यू वाला टेस्ट चाहते हैं तो इसे लाजमी शामिल करिएगा। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 कप दही को फेंटेंगे और इसको भी हम चिकन में शामिल कर देंगे। 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का लेंगे, इसे शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी क्रीम हम बचा लेंगे एंड के लिए। इन तमाम अज़ा को हम चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाने चाहिए। आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पिघला हुआ मक्खन तकरीबन 200 ग्राम के करीब शामिल कर देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको कर सकते हैं, इससे और भी ज़बरदस्त टेस्ट हासिल होगा। मैरिनेट किए हुए चिकन को हम एक पैन में डालकर पकाएंगे। यहाँ हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पानी जल्दी रिड्यूस हो जाए। बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर इसका होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ग्रेवी थिक होना शुरू हो गई है। यह हमारी डिश में है एक ट्विस्ट, जहां हम अपनी डिश को देंगे एक बारबेक्यू तड़का। फ्लेम ऑफ करके तमाम चिकन की बोटियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप बिना ग्रिल किए भी इसे इस तरह सर्व कर सकते हैं। चूल्हे पे ग्रिल रखकर मैंने इसके ऊपर बोटियां रख दी हैं और इनको मैं धीमी आंच के ऊपर हल्का हल्का टोस्ट करूंगी। हल्का हल्का इनके ऊपर हम घी लगाते जाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तमाम बोटियां हम ग्रिल कर लेंगे। बोटियों की ग्रेवी के अंदर हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे जो हमने बचा ली थी और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। ग्रिल की हुई बोटियों को हम इस सॉस में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सॉस में इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम सॉस का मसाला बोटियों पर आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया और इसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हमारी मलाई चिकन बोटी ग्रेवी। एक बाउल में निकाल कर उसके ऊपर हम प्याज के लच्छे लगा देंगे और बीच में हम रखेंगे कटोरी जिसमें हम दहकते हुए कोयले रखेंगे, थोड़ी सी लौंग डालेंगे और हल्का सा घी डालकर उसे हम दे देंगे बारबेक्यू दम। 5 मिनट बाद कवर रिमूव कर देंगे। हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। क्रीमी, बटरी एंड वेलवेटी टेक्सचर वाली हमारी मज़ेदार मलाई बोटी ग्रेवी बेहतरीन बनकर तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ज़ायका लाजवाब। आप किसी भी बारबेक्यू रेस्टोरेंट से इस डिश को कंपेयर करेंगे तो इसका ज़ायका आप उससे ऊपर ही पाएंगे और आपके घर वाले ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि घर जैसा बारबेक्यू तो कहीं मिलता ही नहीं। खास तौर पे नए होम को किस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चौंका डालें। सब के सब दंग रह जाएंगे कि ये डिश आपने बनाई है। ऑसम, ज़बरदस्त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें वीडियोस को लाइक करते रहिए। अब बारी आती है टेस्टिंग की और हमारे यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं आज बहुत ही शर्मीले बच्चे मुर्तज़ा, जो कैमरे के सामने आने से घबरा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली रेसिपी में इनको हम सामने लेकर आएंगे। इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।